नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीक एफएम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे टेक्नोलॉजी की दुनिया की 10 ऐसे मिसकंसेप्शन के बारे में बात करूंगा जिनको आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन से। तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो कैमराज होते हैं, इनको लेके बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतना ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जहाँ पे जो मेगापिक्सल है वो काफ़ी कम है, 12 मेगापिक्सल या फिर 13 मेगापिक्सल, वो या पे 16 मेगापिक्सल के कैमरा के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की इमेजेस क्लिक करता है। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बेसिकली यहाँ पे कैमरा की मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है। कैमरा की जो सेंसर साइज है वो क्या है, एपर्चर कितना है, उसके साथ साथ इमेज प्रोसेसिंग वो कैसे हो रहा है, ये सब कुछ मैटर करता है। इसके रिगार्डिंग, कैमरा के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या फिर मैंने आई बटन पर भी लिंक दे दिया है। इसके बाद जो चीज़ को लेके लोगों के मन में एक और मिसकंसेप्शन पैदा हुआ है मोबाइल फ़ोन से ही, वो है यहाँ पे स्टोरेज, स्मार्टफोन की स्टोरेज। मैं यहाँ पे स्टोरेज मतलब कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस में 6GB की रैम है और 64GB की रोम है। ये जो टर्म है ना, 64GB की रोम है, ये जो पूरा टर्म है ये पूरी तरीके से गलत है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो ये रोम है इसके ऊपर बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो डेटा एक बार स्टोर किया जा चुका है इस डेटा को सिर्फ रीड करना पॉसिबल है, उस डेटा के ऊपर कोई भी छेड़छाड़ करना या फिर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है उसके अंदर जो डेटा है उसको चेंज करना। पर यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन में जो स्टोरेज होते हैं, क्या हम उनमें कोई डेटा राइट नहीं कर सकते? ये तो नहीं है। हम हमारे स्मार्टफोन की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें कोई भी डेटा राइट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, कुछ भी हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हम उसमें राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन की जो इंटरनल मेमोरी है इसको रोम कहना पूरी तरीके से गलत होगा। अब यहाँ पे अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो वो है यहाँ पे रैम। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जितना ज़्यादा रैम होगा हमारे स्मार्टफोन में उतना ही उस स्मार्टफोन में स्पीड मिलेगा या फिर परफॉर्मेंस मिलेगा। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये सही है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीद रहे हो जिसमें बहुत ही बेकार क्वालिटी की प्रोसेसर दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपड्रैगन 410 या फिर 410, और उसमें मिल रहा है 10GB की रैम। तो क्या ये बेनिफिट आपको मिलेगा? यहाँ पे जो ये SoC की परफॉर्मेंस है या फिर जो CPU है उसका जो परफॉर्मेंस है वही उतना नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर रैम को यूज़ कर पाए या फिर यूटिलाइज कर पाए। पर मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ कुछ केसेस में सही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन की 845 चिपसेट है और यहाँ पे रैम दिया गया है सिर्फ 2GB, तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली आपका जो SoC है या फिर आपका जो प्रोसेसर है वो बॉटलनेक होगा। तो इस तरह के कंडीशंस में अगर 10GB की रैम है तो सही है, पर अगर स्मार्टफोन में रद्दी से रद्दी क्वालिटी के प्रोसेसर है तो उस प्रोसेसर के साथ और यहाँ पे अगर 10GB की रैम दिया जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी की रैम दिया जाए तो ये बिल्कुल बेकार है। सेम कॉन्सेप्ट जाएगा हमारे कंप्यूटर्स के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है एक पेंटियम CPU और उसके साथ आप लगा रहे हो 32GB की रैम, 32GB की रैम स्टिक्स, तो ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जो रैम है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा आपका CPU। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे आप जिस मात्रा में रैम लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6GB की रैम लेना चाहते हो तो ऐसा CPU उस स्मार्टफोन में हो ताकि उस रैम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। बेकार में ज़्यादा रैम लेने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। अगले पॉइंट की बात करें वो भी स्मार्टफोन से ही रिलेटेड है, वो है IP रेटिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्मार्टफोन्स में, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में IP68 या फिर IP67 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो इस सर्टिफिकेशन, अगर किसी के स्मार्टफोन में ये सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे वो कहता रहता है, वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो कहते रहते हैं कि मेरा स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है, मेरा स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे जो ये रेटिंग्स है ये बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग्स है। वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जो वाटर रेजिस्टेंस है उसका मतलब है कि
उस पर्टिकुलर डिवाइस में, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा गैलेक्सी 8 प्लस है ये IP68 सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस में इस स्मार्टफोन में पानी नहीं जाएगा या फिर वाटर डैमेज नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, इस स्मार्टफोन को लेके समंदर के अंदर चला जाता हूँ, बहुत ही डीप पे चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं फोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दूँ, तो ऑब्वियसली ये फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो IP68 या फिर IP67 की जो ये रेटिंग्स है, ये वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग्स है, ना कि वाटर प्रूफ की। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, वाटर प्रूफ क्या है, वाटर रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मोबाइल की दुनिया से वापस आ जाते हैं कुछ सिंपल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अगर उन्होंने 8 मेगाबिट्स पर सेकंड या फिर 8 Mbps की इंटरनेट कनेक्शन ले रखी है, तो उनको लगता है कि एक 8 MB की फाइल डाउनलोड करने के लिए, एक 8 MB की जो क्या कहते हैं उसको म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए 1 सेकंड का वक्त लगेगा। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जब आपको पैकेजेस के बारे में बताते हैं, जो स्पीड्स के बारे में बताते हैं, या फिर उस स्पीड के रिगार्डिंग जो पैसे के बारे में बताते हैं, वो सब कुछ मेगा बिट्स पर सेकंड पे होता है, ना कि मेगा बाइट पर सेकंड। अगर यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है कि आपको 8 Mbps की स्पीड मिलेगा इतना पैसे में, तो उसका मतलब है मेगा बिट्स, नॉट मेगा बाइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको चाहिए कि मेगा बाइट पर सेकंड पे स्पीड कितना है, तो जितना भी स्पीड आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको बता रहा है, फॉर एग्जांपल 8 Mbps, इसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना आएगा वही है मेगा बाइट पर सेकंड में स्पीड। फॉर एग्जांपल आपका सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको 8 Mbps बता रहा है, तो इसको आपको 8 से डिवाइड करके 1 Mbps की स्पीड आपको मिलेगा, 1 Mbps की स्पीड आपको मिलेगी। मतलब कि एक 8 Mbps की सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको 8 सेकंड का वक्त लगेगा, ना कि 1 सेकंड। तो मेगा बिट्स अलग यूनिट है, मेगा बाइट अलग यूनिट है। 8 Mbps = 1 MB, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए तो आपका काम आसान होगा। बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूज़न कैसे पैदा होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो हमें जो स्पीड दिखाता है, डाउनलोडिंग स्पीड, कोई भी फाइल आप जब डाउनलोड करते हो तब वो जो स्पीड दिखाता है वो मेगा बाइट पर सेकंड पे दिखाता है, पर ये पे सर्विस प्रोवाइडर मेगा बिट्स पर सेकंड पे स्पीड बताता है। तो इसी की वजह से दोनों मैच नहीं हो पाता, तो तभी हमें लगता है या तो सर्विस प्रोवाइडर धोखा दे रहा है, या फिर हमारा कंप्यूटर ठीक से स्पीड शो नहीं कर रहा, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म, GPU और ग्राफिक्स कार्ड। हम हमारे कंप्यूटर में क्या लगाते हैं? GPU, राइट? बिल्कुल नहीं, हमारे कंप्यूटर में हम लगाते हैं ग्राफिक्स कार्ड। बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड का मतलब है ये, और जो GPU है इसका मतलब है ये। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हम GPU लगाते हैं। ग्राफिक्स कार्ड एक बेसिकली सर्किट बोर्ड है, एक PCB है, इसके ऊपर हम GPU को लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेंगे GP104, ये एक GPU है। ये GPU आपको देखने को मिलेगा 1070 ग्राफिक्स कार्ड में, 1080 ग्राफिक्स कार्ड में। बेसिकली यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर GPU है इसमें कितने प्रोसेसिंग कोर्स एनेबल्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स में इनको लगाए जाते हैं, अलग अलग सर्किट बोर्ड्स में इनको लगाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और कन्फ्यूजिंग टर्म, डिस्क, DISC और डिस्क, DISK। ये दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे DISC ये जो टर्म है इसको, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये डिनोट करता है ऑप्टिकल मीडियाज को, जैसे कि CD, DVD, Blu-ray, तो ऐसे जो ऑप्टिकल मीडियाज है इनको डिनोट करता है। और यहाँ पे जो डिस्क, ये जो टर्म है ये यूज़ होता है मैग्नेटिक मीडियाज के लिए, जैसे कि हार्ड ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, SSDs को भी हार्ड डिस्क के कैटेगरी में बहुत सारे लोग रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली SSD एक पूरी तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और हार्ड डिस्क एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। हार्ड डिस्क के अंदर आपको एक मूविंग प्लेटर मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा एक मूविंग हेड जो डेटा को रीड या फिर राइट कर रहा है। तो हार्ड डिस्क का कंस्ट्रक्शन अलग है, वो बिल्कुल एक मैकेनिकल ड्राइव है, और जो SSDs है वो एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्राइव है। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है या फिर डिलीट किया जाता है या फिर रीड किया जाता है वो सब कुछ इलेक्ट्रिकली किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। SSDs के अंदर आपको फ्लैश मेमोरी देखने को मिलेगा, फ्लैश चिप्स देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक मैग्नेटिक प्लेटर, उसी के अंदर डेटा रीड और राइट किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप कभी डिनोट कर रहे हो SSDs और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क को एक साथ, तो आपको कहना चाहिए ड्राइव्स, नॉट डिस्क,
ड्राइव्स कहना चाहिए। अगर आप दोनों को एक साथ डिनोट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ड्राइव्स कहना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक और मज़ेदार चीज़ के बारे में आपको कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब मेरे साथ ही ये सीन हुआ, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे पास आप जैसे कि देख रहे हो दो अलग अलग मॉनिटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं इन दो अलग अलग मॉनिटर्स को एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चला रहा हूँ। यहाँ पे लोगों का मानना ये है कि मेरे पास दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो ग्राफिक्स कार्ड्स अवेलेबल है, इवन जो मदरबोर्ड्स हैं, इनमें मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट की ऑप्शन रहती है। VGA रहता है, DVI रहता है, उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट रहता है, HDMI रहता है, तो मल्टीपल आउटपुट की ऑप्शन रहती है। तो इसी की वजह से मल्टीपल डिस्प्लेस को कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो डेस्कटॉप टावर्स होते हैं इनको बोलते हैं CPU। क्या ये चीज़ सही है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डेस्कटॉप टावर्स होते हैं, या फिर कहा जाए कि जो कैबिनेट्स होते हैं, इनके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स रहता है। CPU तो उसमें से एक है ही है, उसके साथ साथ मदरबोर्ड रहता है, रैम रहता है, ग्राफिक्स कार्ड रहता है, पावर सप्लाई यूनिट रहता है, उसके साथ साथ यहाँ पे रहता है हार्ड डिस्क और SSDs। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक कैबिनेट बनता है, या फिर कह लो एक कैबिनेट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं, या फिर एक डेस्कटॉप टावर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं। तो इसीलिए एक डेस्कटॉप टावर को CPU कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसी की वजह से लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होती है, ऐसे जो टर्म्स की मिसयूज़ की जाती है, इसी की वजह से लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है, आपको ठीक से समझ में आ गया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इसके साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका लिंक दे दिया है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं पसंद करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। Goodbye.